हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। गला थोड़ा सा ख़राब हो गया, सर्दी का मौसम है, इतना चलता है। बाकी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग गर्मी से बचे होंगे। यहाँ तो अच्छा मौसम हो रखा है, धूप धाप निकली हुई है। मेरे से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता ना, मुझे लगा यार उसको एक बार फिर से एड्रेस करना चाहिए भी। सिम कार्ड का क्या सीन है यहाँ से? मतलब अगर इंडिया वाली सिम यहाँ लाते हैं तो यहाँ पे क्या चलेगी, नहीं चलेगी? रोमिंग का क्या सीन है, कौन सा पैक डलवाएं भाई साहब? मतलब बहुत लोग इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके, तो मुझे लगा यार इस चीज़ के बारे में बात करनी ज़रूरी है भी। भाई क्या सीन है, सिम कार्ड का क्या सीन है? तो एक्चुअली है क्या भाई, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। मेरे पास एयरटेल का नंबर है, इंडिया का नंबर है, पूनम के पास वोडाफोन का नंबर है, मेरी मम्मी आए थे अभी थोड़ा टाइम पहले, उनके पास जियो का नंबर था। तो हमारे तीनों के फ़ोन जो इंडिया वाले नंबर हैं वो चल रहे हैं। अब आपको इन चीज़ों में इस यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं भी। वो चल रहे का मतलब ये क्या, अभी हम लोग कॉल नहीं कर सकते फ़ोन से, फ़ोन नंबर से, सिम कार्ड से कॉल नहीं कर सकते। आप इंटरनेट कॉलिंग कर सकते हो व्हाट्सएप से, उसके लिए आपको सिम की ज़रूरत नहीं है अगर आपका व्हाट्सएप चल रहा है तो। क्लियर है बात? तो चल रहे का मतलब क्या होता है भी, आपके फ़ोन के ऊपर इनकमिंग मैसेजेस की रहेगी, मैसेज की कॉल की इनकमिंग तब रहेगी अगर आपके फ़ोन में वैलिडिटी है और बैलेंस है। सिर्फ वैलिडिटी से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी इनकमिंग जब अगर आप उठा लेते हो तो आपको चार्ज पड़ेंगे, तो उसके लिए आपके पास बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो लोग कन्फ्यूज हैं भी यार हमारा चलेगा भाई, आप वैलिडिटी प्रॉपर डलवाओ। और मैं आपको आगे पैक भी बताता हूँ कौन सा पैक डलवाना आपके लिए सही रहेगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं डलवाना, क्योंकि लोग इंटरनेशनल रोमिंग वाला पैक डलवा लेते हैं, और वो पैक ऐसा है भी 800-800 रुपये का 15-15 दिन का है। और मैं जो पैक डलवाता हूँ वो आप सुन के हैरान हो जाओगे, वो इंडिया से भी सस्ता है। जब मैं इंडिया में था तब जो डलवाता था उससे कहीं सस्ता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझो भी, आपको यहाँ पे जो आपके पास नंबर है इंडिया वाला उसका यूज़ क्या करना है। ओके, देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, अगर आप यहाँ पे आ गए तो ये कॉमन सेंस है भी आप यहाँ का नंबर लोगे। क्लियर है बात? आपने यहाँ का नंबर ले लिया, एक आपके पास इंडिया का नंबर है, तो जो यहाँ का नंबर है उसमें तो आप रिचार्ज कराओगे, तो उससे आप यहाँ पे कॉल करोगे लोकल, जो भी मैसेज करना है लोकल, जो भी कॉल करनी है। इंडिया में अगर किसी को कॉल करनी है वो आप करोगे व्हाट्सएप वगैरह से। क्लियर है बात? तो आपको जो इंडिया वाला नंबर है वो आपको क्यों चाहिए, मतलब वो आपको चालू क्यों रखना है? नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा मतलब क्यों रखना है, क्वेश्चन नहीं, मतलब अभी नहीं रखने की जरूरत, मतलब क्यों रखना है। यही भी कोई बैंक वगैरह का मैसेज आता है, या आपका अगर कोई चीज़ OTP वगैरह किसी चीज़ का आना होता है तो वो आ जाए, यही है ना, आपको मैसेज के लिए चाहिए होता है। फ़ोन तो जो भी आपको करेगा उसको पता है भी आप इंडिया में नहीं हो, तो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे करेगा सिर्फ मैसेज के लिए। तो उसके लिए आपको नॉर्मल वैलिडिटी वाला पैक डलवाना है, इंडिया की वैलिडिटी वाला, यहाँ की इंटरनेशनल रोमिंग वाला मैसेज पैक नहीं डलवाना, इंडिया वाला डलवाना है। अब इंडिया वाला भी आपको वो डलवाना है जिसमें आपको वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। डज नॉट मैटर आपको डाटा कितना मिल रहा है, फ्री मिनट कितने मिल रहे हैं, क्योंकि ना तो आपको कॉल करना है ना तो आपको वो डाटा यूज़ करना है। क्योंकि डाटा आप यूज़ करोगे कौन सा, वो यहाँ पे डाटा यूज़ करोगे तो इंटरनेशनल रोमिंग वाला चलेगा, वो कितने मिलेगा आपको? क्योंकि यहाँ पे अगर आप हो तो इट मींस आपको यहाँ पे वाईफाई मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी के घर पे रहते हो, काम करते हो, कुछ भी वाईफाई तो मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अगर आपको डाटा डलवाना होगा तो आप यहाँ का जो आपके पास सिम कार्ड होगा आप उसमें डलवाओगे, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल जो आपका सिम कार्ड होगा। तो बातें क्लियर होगी? तो इट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ अपना इंडिया वाला सिम चलाना है मैसेज की इनकमिंग के लिए, मैसेज की इनकम के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ भी मैं पैक कौन सा डलवाता हूँ। मैं आई थिंक मेरे पास जो मैं एयरटेल का नंबर है उसमें आई थिंक 460 के आसपास है, 3 महीने वाला जो पैक है। अब उसमें मुझे आई थिंक 1 या 2 GB पूरे महीने के लिए, पता नहीं 2 महीने के लिए ऐसा कुछ मिलता है। इसे 3 महीने का पैक है, ऐसा कुछ 450 रुपये का, 460 या 470 का 3 महीने का पैक है। उसमें शायद 2 या 3 GB डाटा मिलता है 2-3 महीने के लिए। अब मुझे पता है चाहे मुझे 500 MB मिले, जब मुझे उसका यूज़ ही नहीं करना तो बस ख़त्म बात। मुझे यूज़ क्या करना है भी, सिर्फ वैलिडिटी का भी, भाई इतना टाइम तक मेरे फ़ोन की जो इंडिया वाला नंबर है उसकी वैलिडिटी रहे।
तो बस वैलिडिटी है 450 में, तीन महीने की वैलिडिटी मिल रही है, तो बस वो वैलिडिटी है, उसमें इनकमिंग आ रही है। अगर मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ या मैं लोकल कॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ का नंबर है, तो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना अभी मैं कौन सा पैकेट लगाऊँ। आप इंटरनेशनल रोमिंग वाला बिल्कुल सोचो ही मत, बहुत महंगा है। 800-800 रुपए में 15 दिन का डल रहा है, 3000 में एक महीने, क्या मतलब है उसका, लिमिटेड चीज़ें उसमें। नहीं सोचना इंटरनेशनल रोमिंग का, कोई नहीं डलवाना अनलेस अनटिल आपके पास यहाँ का, जहाँ पे भी आप आए हो न्यूजीलैंड में, आपके पास यहाँ का सिम कार्ड है ही नहीं। अगर आपके पास यहाँ का सिम कार्ड है तो आपको कोई इंटरनेशनल रोमिंग का पैक डलवाने की ज़रूरत नहीं है। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला भी, जब मैं इंडिया में था उससे भी सस्ता डलवाता हूँ, क्योंकि जब मैं इंडिया में था आई थिंक कुछ 850 का था 3 महीने का, जिसमें मुझे आई थिंक 1.5 GB 2 GB रोज़ मिलता था, क्योंकि उस टाइम में उसी सिम से जो मैं जिसमें पैक डलवाता था उसी से मुझे इंटरनेट यूज़ करना था, उसी से मुझे कॉल करनी होती थी। पर अब मुझे इसकी सिर्फ इनवैलिडिटी चाहिए, कॉल में और डाटा में अपने यहाँ वाले सिम का यूज़ करूँगा बस, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत ही नहीं है डाटा की, तो इसलिए मैं सस्ता का प्लान डलवाता हूँ। तो अब मुझे लग रहा भी शायद सबका क्लियर हो गया होगा सिम कार्ड का क्या सीन है, कौन सा पैक डलवाना है कैसा, और शायद ये भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि मेरे से ये भी बहुत पूछा था भी कौन सा सिम लेके आए इंडिया में से, कौन सा चलता है। भाई सब चलते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यहाँ पे एयरटेल के टावर लगे हुए हैं या जियो के टावर लगे हुए हैं, हालांकि वोडाफोन है यहाँ पे, वोडाफोन वन हो गया, वन न्यूजीलैंड हो गया, तो वो तो है, पर आप मेरा एयरटेल है, एयरटेल के टावर तो है नहीं। अगर आप कहीं पे जाते हो तो वहाँ के टावर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विस, बस आपके पास वैलिडिटी होनी चाहिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी अपने आप में देख लेती हैं। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो दिमाग से निकाल दो भी मैं यही सिम लेके जाऊं, आप लोगों से आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है भी मैं कौन सा सिम लेके आऊं, जो आपके पास है, जो आपने सबको नंबर आपके पास आपका नंबर जो सबके पास है आपको वही रखना है कार्ड, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वही चलेगा, बस आप उसमें वैलिडिटी डलवा लो भी। हाँ मैं वैलिडिटी डलवा लेता हूँ जितने टाइम आपको रहना है। अब मैं हर 3 महीने बाद रिचार्ज करता हूँ, ख़त्म बात, 450 रुपये का रिचार्ज हो जाता है, उसमें मेरे बैंक वाले मैसेज होते हैं या जो भी मैं कुछ खरीदता हूँ, जैसे वो अभी मान लें अमेज़ॉन से मुझे कुछ ऑर्डर करना है तो अमेज़ॉन का OTP जो आएगा वो मेरे फ़ोन पे आएगा, वो इंडिया वाला नंबर चल रहा है, अब इंडिया वाले नंबर पे OTP आता है, तो सिर्फ इन चीज़ों के लिए आपको इंडिया वाला नंबर चलाना है और इसका कोई यूज़ नहीं आएगा भाई, कोई यूज़ नहीं है। तो ये चीज़ें दिमाग से निकालो और बेफिक्र होके जो आपके पास नंबर है वो लेके आओ, नॉर्मल वैलिडिटी वाला पैक डलवाओ, जो भी आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है चाहे आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, उसका देखो सबसे सस्ता सबसे ज़्यादा टाइम की वैलिडिटी का कौन सा रिचार्ज है। एयरटेल का तो मुझे शायद पता है, एयरटेल का वोडाफोन का तो शायद इसके आसपास ही है, 470-460 के आसपास है, 3 महीने के, पता नहीं 80 दिन का कितने का, 70 दिन का ऐसे कुछ, 70 दिन का शायद, पर है इसके आसपास है, आपको वैलिडिटी इतनी मिल जाती है, वो डलवाता हूँ मैं। तो बेफिक्र होकर डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आती है तो मुझे मैसेज करो, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करूंगा, बताऊंगा भाई कैसे सीन है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बेफिक्र रहो यार, ऐसी इन चीज़ों में टेंशन ना लिया करो, कमेंट करके बताओ। फिर भी अगर आपको नहीं कुछ चीज़ का पता चला भी, या आपके पास आपने ऐसा ट्राई किया भी आपका नहीं हो रहा, तो बताओ मुझे, ट्राई करूंगा आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो, प्यार बांटते रहो, तब तक के लिए रब रखा।